हेलो दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो आपने कभी ना कभी अपने फ़ोन में टॉकबैक फीचर ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, ये टॉकबैक फीचर क्या होता है, ये किसके लिए होता है और कैसे आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉकबैक फीचर के बारे में। टॉकबैक फीचर जो है वो गूगल के द्वारा बनाया हुआ फीचर है, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए या जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, जो फ़ोन की स्क्रीन को नहीं देख सकते हैं, उनके लिए बनाया गया है। इसका यूज़ क्या होता है कि इसके थ्रू वो फ़ोन को ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोलकर बताता है कि आपको उसे कैसे यूज़ करना है और आप कौन सा फीचर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एक्सीडेंटली आपके फ़ोन में ऑन हो गया है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मार्केट में इसे लेकर जाते हैं, तो बहुत सी बार शॉपकीपर की भी नॉलेज की कमी में आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करा देता है, जिससे आपके फ़ोन का जो इम्पोर्टेंट डाटा है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फ़ोटोज़ हैं, वो सारे तो डिलीट हो ही जाते हैं, साथ ही आपको पैसा भी लग जाता है। तो दोस्तों, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये ऑन होता है और कैसे आप इसे ऑफ कर सकते हैं, जिससे आप आपका डाटा वगैरह भी बचा पाएंगे। तो चलिए, ये हम देख लेते हैं कि इसे ऑन कैसे करते हैं और ऑफ भी कैसे करते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में जो है आप टॉकबैक ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता, आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। और सेटिंग में जाने के बाद आप जब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। इसी में एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और देखिए यहाँ पर आपको टॉकबैक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, यहाँ पर लिखा आ गया और आप ओके कर दीजिए। अब जो है आपका टॉकबैक ऑप्शन ऑन हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर ऑन हो गया है, यहाँ पर मेन स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब मुझे ये ऑन होने के बाद देखिए, मैं जहाँ भी टच कर रहा हूँ, तो ये मुझे बोलेगा कि डबल टैप टू जो है आप उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ कीजिए। टॉकबैक ऑप्शन को ऑफ करने के लिए आपको करना क्या है, आपका जो मोबाइल का प्लस और माइनस वॉल्यूम बटन है, उसको आपको कंटिन्यू 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा आपको टॉकबैक टर्न ऑफ, तो आपका टॉकबैक जो है वो ऑफ हो गया है। अब आपके फ़ोन को नॉर्मली इजिली यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम कीज को जो कंटिन्यू 3 सेकंड प्रेस करने के बाद भी अगर आपका टॉकबैक ऑप्शन कभी कभी ऑफ नहीं होता है, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो वही एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको डबल टैप कर देना है। फिर एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर डबल टैप कर देना है, यहाँ पर आपको टॉकबैक लिखा जाएगा। फिर आपको टॉकबैक वाले ऑप्शन में जाकर इस टॉकबैक को डबल क्लिक करके स्टॉप कर देना है, तो आपका टॉकबैक यहां से भी ऑफ हो जाएगा। तो दोनों तरीके से जो है आप अपने इस टॉकबैक फीचर्स को ऑफ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, मैंने जो आपको टॉकबैक के बारे में बताया है, वो जानकारी आपके बहुत काम आएगी, और साथ ही आपके जो दोस्त वगैरह हैं, अगर वो भी इसी किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आप उनका भी सॉल्यूशन कर पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।